क्या नाम हुआ चाचा? असगर नाम है मेरा। असगर जी, तबीयत खराब है क्या? हाँ सर। कल परसों 31 तारीख को ज्यादा मेहनत हो गई। मेहनत नहीं की 31 तारीख को पत्थर पत्थर वाला? अरे साहब, हम क्या जाने पत्थर पत्थर वाला, अपने पास चले सब मजबूर, हम कहा जाने। आपके छोरे ने मेहनत की क्या साहब? मेहनत, ये गरीब आदमी बाहर के रहने वाले कहाँ ऐसा कर सकते हैं? बाहर कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ? यहाँ कैसे? यहाँ रेडी लगाते हैं, जूस की रेडी लगाते हैं। वो तो लखनऊ में भी लग सकती है। एक बात बताइए, जहाँ पे हिंदुओं की जो संख्या है, मतलब मैं हिंदू हूँ, जैसे हम लोगों की जहाँ संख्या 80% होती है या 90% होती है या 99% होती है, 1% अगर मुसलमान होता है उसको हम लोग सिराखों पे बिठा के रखते हैं, ताज बना के रखते हैं। आप लोग काहे लताड़ देते हैं हिंदुओं को, काहे डरा धमका के रखते हैं? ये हम साहब, ये सब हम जानते नहीं, हम बाहर के रहने वाले हैं, हम तो जानते भी नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मतलब भी नहीं जानते। हम क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे आप जाए, क्या बोलोगे? हम तो परदेसी, हम तो जानते नहीं क्या परदेसी के अलावा। एक बात बताइए, आप ही के कौम के लोग हैं ना, बदनाम कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। शर्मसार हो रहे हैं आप? होना पड़ रहा है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे उन लोगों को? बंगाल से लेकर मेवा तक हिंदुओं की धार्मिक यात्राएं हो या फिर दिल्ली दंगों की हिंसा, एक विशेष समुदाय के द्वारा पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत आम हो गई है। दरअसल जिहाद में पत्थरबाजी का बहुत महत्व है। पत्थरबाजी इस्लाम की उस मजहबी रवायत से जुड़ी है जिसे रमी अल जमरात यानी शैतान को पत्थर मारना कहते हैं, जो कि हज यात्रा का एक अभिन्न अंग है जिसमें मीना की 3 दीवारों पर पत्थर मारे जाते हैं। पत्थर मारना कुछ और नहीं बल्कि शैतान और गैर इस्लामिकों के विरुद्ध प्रतीकात्मक युद्ध है और इस्लामिक समुदायों में इसे स्वीकारिता प्राप्त है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण के अनुसार अपने ही समुदाय की महिलाओं को, जो कि व्यभिचार की दोषी पाई गई हैं, उनको पत्थर मारने की सजा का मिस्र में 82%, जॉर्डन में 70%, इंडोनेशिया में 42%, पाकिस्तान में 82% और नाइजीरिया में 56% मुसलमानों ने समर्थन किया है। अपने ही विरोधियों पर पथराव करना, अपने विरोधियों पर थूकना और सार्वजनिक स्थानों पर सजा देना अरब संस्कृति में एक आम बात रही है। लेकिन भारत के भी कुछ कट्टरपंथी मुसलमान ऐसे हैं जो अरब की संस्कृति की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। उनके लिए भारत में रहने वाले हिंदू, भारत सरकार, भारतीय राज्य, अधिकारी, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी शैतान की तरह होते हैं और यही वजह है कि वो उन पर पत्थर फेंककर अपना विरोध दर्ज कराते हैं। और रही बात बच्चों के पत्थर फेंकने की, तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास ये सूचनाएं मिली है कि मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इस्लाम में ये लिखा है कि सभी गैर इस्लामिक धर्म और लोग शैतान होते हैं, तो पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग उन्हें बचपन से ही मिलती है। और यही वजह है कि देश की कानून व्यवस्था हो, पुलिस वाले हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का डर हो, इन्हें किसी की परवाह नहीं होती, ये पत्थर फेंकते रहते हैं क्योंकि पत्थरबाजी और मजहब का गहरा संबंध। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। देश के दंगों के इतिहास पर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं पूरे देश के अंदर दंगे कहां होते हैं। 3 श्रेणियां उसकी हैं, 10 से 20% की आबादी, 20 से 35% की आबादी और 35 से ऊपर की आबादी। 10 से 20 की आबादी जो है, यहां पर चुटपुट सांप्रदायिक झड़पें होती हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% के बीच में है। 20 से 35% की आबादी जहां भीषण दंगे होते हैं और 35 से ऊपर की आबादी जहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। 2018 के अंत में जब मैंने घोषणा की कि आज से मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो 1400 वर्ष पूर्व एक बलात्कारी व्यक्ति जो आया था, जिसने पूरे संसार को एक ऐसे अंधकार में डालने का काम किया, अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी कि आज उसको मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति माता और बहनों को खेती समझता। जब ये चीजें मैंने गौर की तो मुझे आभास हुआ कि ये व्यक्ति ईश्वर का कोई दूत होना तो बहुत दूर की बात, ये शायद अगर हमारे आज के समय में हुआ होता तो शायद इसको 3 बार फांसी।